लैब कहाँ है? प्रिंसिपल साहब नाम का ड्यू तो नहीं आ रहा है, 3 दिन लगातार नहीं आते हैं, नोटिस मिल गया नाम का। डीओ साहब सर, तो बच्चे इतना बुलाने पे भी नहीं आ रहे, उनका नाम काट रहे सर। दो ही कारण होगा, या तो डीबीटी के लिए जो भी हो जाता है, लैब कहाँ है? नाम का ड्यू तो नहीं आ रहा है, 3 दिन लगातार नहीं आते हैं, नोटिस मिल गया नाम काट। डीओ साहब सर, तो बच्चे इतना बुलाने पे भी नहीं आ रहे, उनका नाम काट रहे सर। दो ही कारण होगा, या तो डीबीटी के लिए जो भी हो जाता है। उपस्थिति 75% है ना, फिर मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक ने स्पष्ट आदेश दिया कि नाम काटिए। ये वीडियो आरपीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूर्णिया की जांच का वीडियो है, जिसमें श्री के पाठक स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब नाम काटिए, जो बच्चे लगातार 3 दिन नहीं आए उनका नाम काटिए, इतना बुलाने के बाद भी बच्चे नहीं आ रहे तो साफ है कि या तो बच्चा दो जगह नाम लिखवाए हुए हैं, या फिर सिर्फ डीबीटी का लाभ लेने के लिए नाम लिखवाया है। ऐसे बच्चों का सीधे नाम काटिए, यानी कि 75% अटेंडेंस पूरा ना करने वाले और लगातार 3 दिन स्कूल कॉलेज ना आने वाले छात्रों का नाम काटने का स्पष्ट आदेश दिया श्री के पाठक ने। अब ऐसा भी नहीं है कि नाम काटने का सिर्फ मौखिक आदेश दिया जा रहा है, बल्कि इसके पहले के पाठक ने लिखित आदेश भी जारी करके नाम काटने का आदेश जारी कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये नाम काटने की प्रक्रिया शुरू हो भी चुकी है। पूरे बिहार भर में अब तक लगभग 1 लाख से ज्यादा छात्रों का नाम स्कूल कॉलेजों से काट दिया गया, जो 75% हाजिरी पूरा नहीं कर रहे थे, जो स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे थे। और समय के साथ ये नाम काटने वाले बच्चों की संख्या, ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और अब तो स्कूलों के साथ साथ कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज, पॉलिटेक्निक कॉलेज सब पर 75% अटेंडेंस का नियम लागू कर दिया गया है। इसलिए अगर अभी तक आप इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे तो अब ये भूल बिल्कुल ना करें। स्कूल कॉलेज ना जाने पर चाहे कार्रवाई आज हो या कल हो, कभी भी हो सकता है, इसलिए अपने स्कूल कॉलेज जाते रहें चाहे पढ़ाई हो या ना हो, क्योंकि फिलहाल ये 75% अटेंडेंस के नियम से छूट मिलने नहीं जा रहा है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।